Welcome to the class, students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 6, we will be continuing our chapter 3, Adaptations in Animals. And the topic that we will be covering today is Adaptations for Protection in Animals. So let us start. Open page number 32 of your book. So every animal has to protect itself from its enemies and its surroundings. हर एनिमल को अपने एनिमीज से बचना होता है, अपनी सराउंडिंग से बचना होता है, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से खुद को बचाने की जरूरत पड़ती है। अब अलग अलग एनिमल्स ने क्या है, डिफरेंट वेज जो है वो अपनाए हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द फीचर दैट दे हैव। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से फीचर्स किस एनिमल्स में है और कौन कौन से एनिमल्स अपने आप को अपने एनिमीज यानी कि अपने दुश्मन से कैसे बचा रहे हैं, अपने प्रिडेटर से जो उनको खा सकता है एनिमल, उनसे किस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डियर एंड कैंगरू। अब डियर और कैंगरू में क्या फीचर होता है, ये काफी तेज भागते हैं, तो जब भी आसपास इनके कोई एनिमी होता है या कोई प्रिडेटर होता है तो वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं, बहुत फास्ट रन करके, बहुत तेज भाग के ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर बारी आती है रैबिट्स, हेयर्स एंड रैट्स की। ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दे हाइड इन बरोज डीप इनटू द सॉइल। वो अपने आप को छुपा लेते हैं, वो छुप जाते हैं बरोज में, सॉइल के काफी अंदर जो वो बना के रखते हैं बरोज। इनके एनिमीज कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगल जो होती है, फॉक्स जो होती है, तो वो ईगल वगैरह जो है वो क्या खाती है, रैट्स वगैरह को खाती है। कैट जो होती है वो रैट को खाती है। तो ये सब एनिमल्स जो इनके एनिमीज है, ईगल है, फॉक्स है, कैट है, उन सबसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाई हाइडिंग इन बरोज। नाउ हाउ डू व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड हिप्पोस प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। As you know, whales, elephants and hippos, they are very big in size, they are jumbo in size. तो वो अपने big size की वजह से जो है protect हो जाते हैं, उनका enemy जो है उनके big size को देखकर easily उनके ऊपर attack नहीं कर पाता। तो अपने big size की वजह से these animals, whales, elephants and hippos get protected. अब बारी आती है polar bear की। Polar bear, as you know, polar bear is white in color. तो polar bear का color जो होता है white होता है। अब वेयर्स पोलर बियर फाउंड, पोलर बियर मिलता कहां पर है, पोलर बियर इज फाउंड इन पोलर एरियाज। पोलर एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर बर्फ मिलती है, स्नो मिलती है। तो स्नो कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। पोलर बियर कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। इसकी बॉडी के ऊपर व्हाइट फर होता है, व्हाइट हेयर होते हैं। तो ये अपना कलर अपनी सराउंडिंग से मैच कर लेता है, इसका जो कलर है व्हाइट कलर वो इसकी व्हाइट सराउंडिंग यानी कि जो स्नो है उससे जो है मिल जाता है, और इसका एनिमी पोलर बियर को लोकेट नहीं कर पाता, नहीं ढूंढ पाता इजीली, और इस वजह से अपने व्हाइट कलर की वजह से पोलर बियर प्रोटेक्ट हो जाता है। अब बारी आती है कैमलियन की। कैमलियन यानी कि जो गिरगिट होता है, कैमलियन के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन कैमोफ्लाज। अब कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि अपना अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। अब कैमलियन क्या करता है, जिस भी तरह की सराउंडिंग्स में वो होता है अपना कलर वो उसी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कैमलियन वुड पर है तो वुड का जो कलर होगा कैमलियन अपना कलर भी वैसा ही कर लेगा। मान लो अगर वो लीव्स के बीच में है, पत्तों के बीच में अगर वो बैठा है तो वो जो है ग्रीन कलर का ही जो है अपनी बॉडी का कलर कर लेगा। तो इस तरह से अपना कलर चेंज करके कैमलियन जो है अपने एनिमी से बच जाता है बाय कैमोफ्लाजिंग। टाइगर और जिब्रा अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, टाइगर और जिब्रा की बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, लाइंस होती हैं, तो अपने स्ट्राइप्ड जो इनका अपीयरेंस है उसकी वजह से ये जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अपने स्ट्राइप्स की वजह से ये अपने सराउंडिंग्स में मर्ज कर जाते हैं, मर्ज का मतलब है घुल मिल जाना। तो अपने स्ट्राइप्स की वजह से ये जो लॉन्ग ग्रासेस हैं उसके बीच में घुल मिल जाते हैं और इजीली नजर नहीं आते, तो इस वजह से इनका एनिमी अगेन इनको जो है ढूंढ नहीं पाता, नहीं देख पाता इजीली, और ये अपने स्ट्राइप अपीयरेंस की वजह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब बारी आती है लीफ इंसेक्ट की। एज नेम सजेस्ट, लीफ इंसेक्ट यानी कि ऐसा इंसेक्ट, ऐसा कीड़ा जो किसको रिजेंबल करता है, लीफ को। तो लीफ इंसेक्ट बिल्कुल लीफ जैसा नजर आता है, उसकी शेप भी कुछ लीफ जैसी ही होती है, उसका जो कलर है वो भी लीफ यानी कि पत्ती जो होती है प्लांट की उसके जैसा ही होता है। तो अपने शेप की वजह से, अपने
कलर की वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका शेप और इसका कलर पत्ती से मिल रहा है, तो इसका आने में इसको पता ही नहीं लगा पाता कि ये वहां पर बैठा है या नहीं बैठा है। नेक्स्ट जो स्टिक इंसेक्ट होता है, स्टिक यानी कि जो लकड़ी होती है, स्टिक इंसेक्ट किसको रिजेंबल करता है? ट्विग को। ट्विग क्या होती है? जो छोटी मोटी जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, तो उसकी जो लकड़ी होती है, छोटी छोटी जो लकड़ी होती है, उससे रिजेंबल करता है। स्टिक इंसेक्ट बिल्कुल लकड़ी जैसा नजर आता है। इसका जो कलर होता है वो भी लकड़ी जैसा ही होता है और इसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है। तो ये जो दोनों इंसेक्ट है, लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट, ये अपने कलर और अपने शेप की वजह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सो दे अगेन मर्ज विद द सराउंडिंग। तो ये भी जो है अपनी सराउंडिंग्स में घुल मिल जाते हैं। लीफ इंसेक्ट लीव्स में घुल मिल जाएगा और स्टिक इंसेक्ट स्टिक्स से घुल मिल जाएगा और अपने एनिमी से इस तरह से ये बच जाते हैं। नाउ पॉर्क्यूपाइंस अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? पॉर्क्यूपाइंस के ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जो होते हैं क्विल्स होते हैं। क्विल्स यानी कि इनके एक तरह के फेदर होते हैं, बट दे आर वेरी शार्प, बहुत नुकीले होते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन की जो पिक्चर है वो पीडीएफ में अटैच की है, वहां पर आप देखिएगा कि पॉर्क्यूपाइन के ऊपर जो क्विल्स होते हैं वो किस तरह से नुकीले होते हैं। तो अपने शार्प और पॉइंटेड क्विल्स की हेल्प से पॉर्क्यूपाइन गेट प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट जो टॉर्टोइज है और स्नेल्स हैं, ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? टॉर्टोइज और स्नेल्स के ऊपर क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर शेल होते हैं, तो अपने शेल की वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे? जब भी इनके आसपास कोई डेंजर होता है या कोई एनिमी को जो है ये सेंस करते हैं अपने आसपास, तो ये क्या करते हैं, दे गो इनटू देयर शेल। वो अपने शेल के अंदर जो है चले जाते हैं। ये इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, अपने शेल के अंदर ये चले जाते हैं और जब एनिमी इनको लगता है कि चला गया है, तब ये अपनी शेल से बाहर आते हैं। तो ये टॉर्टोइज और स्नेल जो है अपने शेल की वजह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब पारी आती है कटल फिश की। कटल फिश अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है? कटल फिश के पास एक स्पेशल चीज होती है, जो होती है इंक सैक्स। अब इंक सैक्स क्या होता है, एक तरह से इंक जो है इसमें फिल्ड होती है। तो ये क्या करती है कि जब भी इसके आसपास कोई खतरा होता है, जब भी ये सेंस करती है कोई डेंजर अपने आसपास, जब भी इसे लगता है कि आसपास कोई खतरा है, डेंजर है, तो ये क्या करती है, इन इंक सैक्स से इंक रिलीज कर देती है अपने आसपास के पानी में। जिस वजह से क्या होता है, इसके आसपास का पानी वो ब्लू हो जाता है कलर में, और जब तक वो अपने आप को कहीं सेफ प्लेस पर ले जाती है और अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट कर लेती है अपने एनिमी से, क्योंकि इसने क्या किया, अपने आसपास का कलर, जो पानी का कलर है वो ब्लू कर लिया। इसका एनिमी इसको उस ब्लू कलर वाले पानी में नहीं ढूंढ पाया और तब तक ये वहां से निकल जाती है। तो इस तरह से जो है कटल फिश अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। राइनो और डियर अपने आप को और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? एक तो डियर के पास ये प्रॉपर्टी है, वो काफी तेज भाग लेता है। राइनो का साइज जो है बॉडी का बड़ा होता है। दूसरा इनके पास क्या होता है, इनके पास हॉर्न्स भी होते हैं यानी कि सींग, तो उनकी वजह से भी ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनके पास एक तरह का अडैप्टेटिव फीचर है, ये इनकी अडैप्टेशन है खुद को प्रोटेक्ट करने की। अब एक टर्म देखते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेट करना यानी कि मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। तो माइग्रेशन क्या होता है, कुछ बर्ड्स जो हैं वो रेगुलरली मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर वो नेचुरली पाई जाती हैं, अगर वहां पर मौसम उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वहां से चल के कहीं दूसरी जगह पर चली जाती हैं उस कंडीशन से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वो वहां से उस सर्दी से बचने के लिए किसी वार्मर प्लेस पर चली जाएंगी जहां थोड़ी गर्मी होगी। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो वहां से बचने के लिए थोड़ी ठंडी जगह पर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो साइबेरियन क्रेन होती है, एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन, जो है हर विंटर में जो है इंडिया आती है। तो इस तरह से जो है ये बर्ड्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे, माइग्रेट करके। तो ये माइग्रेट करना, माइग्रेशन भी एक तरह का जो है अडाप्टेशन ही है जो इन बर्ड्स ने अपनाया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी से या फिर बहुत ज्यादा सर्दी से। तो ये थे जो हमने अभी पढ़े अडाप्टेटिव फीचर्स अलग अलग एनिमल्स में, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से जो है उन्होंने अपने आप को अडाप्ट करवाया है, उनके पास क्या अडाप्टेशन है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी के पास हॉर्न है, किसी का साइज बिग है,
तो कोई जो है जो फिश जो है वो इंक रिलीज करती है, तो अलग अलग तरीके जो है अलग अलग एनिमल्स अपनाते हैं खुद को बचाने के लिए। नाउ लेट अस नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पफ फिश जो होती है वो अपने आप को शार्क से कैसे बचाती है? पफ फिश, एज द नेम सजेस्ट, पफ फिश अपने आप को पफ कर लेती है, यानी कि फूल जाती है। जैसे वो शार्क को देखती है वो पफ अप कर जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो स्पाइंस होते हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं, और वो स्पाइंस की वजह से शार्क उसको खा नहीं पाती। तो इस तरह से पफ फिश जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो आर्कटिक टर्न होती है, आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो कि ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है। वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है, हर ईयर वो 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है आर्कटिक से एंटार्कटिका जाने तक, और फिर वापस से एंटार्कटिका से आर्कटिक आती है। तो इस तरह से जो है आर्कटिक टर्न इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर टुडे आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज, Why do some animals migrate? कुछ animals migrate क्यों करते हैं? Migrate यानी कि एक जगह से दूसरी जगह move करके क्यों जाते हैं? Second question is, what are the different ways by which animals protect themselves from their enemies? ऐसे कौन से ways हैं जिससे different animals खुद को protect करते हैं अपने enemies से? Next question is, explain camouflage with examples. Camouflage क्या होता है वो examples देख के explain करना है। And last question is, how do the following animals protect themselves? ये animals अपने आप को कैसे protect करते हैं? पहला puff fish, second is leaf insect, and third is elephant. So students, here ends our chapter 3, adaptations in animals. Do complete your work in your notebooks and make sure that it is neat and clean. Keep doing your learning work. Thank you.